इधर आ, छोड़ उसका, छोड़ उसका, तेरा पकड़ू। अगर जोया को खराश भी आई, तुझे यहीं जिंदा चला दूंगा मैं। अब अगर तूने मुझे एक भी धमकी दी ना, तो इससे पहले मैं तुझे मार दूंगा। अब तुम सबके बचने का एक ही रास्ता है कि तू मेरे पैरों में गिरकर मुझसे माफी मांग। शौकी, अच्छा ठीक है, मैं माफी मांगता हूं। थैंक यू शौकी, थैंक यू। उसके बाद तुम दोनों की भी बारी है बंटू। बस कहा था ना, बब्बर शेर को गन दिखाकर आखिरी ख्वाहिश नहीं पूछता। खेल खत्म तेरा। नहीं 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 नहीं, आशिक चौधरी, आशिक, आई एम जोकिंग, मजाक कर रहा बाजी, जोक मजाक। चल खेल खत्म हो गया तेरा, बैठ, मुर्गा बनो सारे, बनो बनो मुर्गा बनो। भाई मैं भी बनू, मैं भी बनू। भाई देखिए भाई, आवाज निकालो भाई। हाँ आवाज निकालो। निराली जी। हाँ कौन आए? ए कौन है? यही वो घटिया इंसान है जिसने आपकी बच्चों को किडनैप करने की घटिया हरकत की। नहीं नहीं नहीं, मैं चुप। आशिक चौधरी, तूने मुझे इतना बड़ा धोखा दिया, कमबख्त। आशिक का जनाजा है, जरा धूम से निकले। अरे खड़ो इन चित्र लाओ, जूते मारो, पे ऊपर का चित्र लाओ, ले जाओ इन्हें, लेके जाओ इसे। हां मेरा, मेरी 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 बात। ओए 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 ओए, बंटी जी, ये लो। वाह, चाय स्पेशल मेरे लिए? जाहिर सी बात है, तुम तो स्पेशल मुझे बचाने आए तो स्पेशल चाय तो बनती है ना। हाँ हाँ हाँ, बचाने तो आया मैं। अगर आपको कुछ हो जाता तो? वैसे भी ये घर घर नहीं लगता आपके बगैर है। हाँ एक मिनट, ये रखे। क्या हुआ? अरे सब्र तो कीजिए, ये देखिए भाई, दूध का पहला उबाल जैसे ही आता है मैं सारी मलाई खट्टी कर लेता हूँ। मलाई वाली चाय का मजा ही कुछ और है। तुम नहीं सुधरोगे ना? चलो ये लो अपनी मलाई वाली चाय पियो। एक मिनट, एक कप मेरा, एक कप आपका, तो ये एक्स्ट्रा कप किसका है? ये एक्स्ट्रा कप, ये है मिक्स टी चाय, मिक्स फीलिंग्स वाले हीरो के लिए। हीरो के लिए? तुम नहीं समझोगे, पलाई तो देते जाओ। हाँ ये ले, ये ले। ध्यान से कहीं चांद को नजर ना लगाते रहे। चाय अपने लिए बना रही थी, सोचा तुम्हारे लिए भी ले आऊं। शुक्रिया जी। थैंक यू शौकी, तुम ना होते तो पता नहीं क्या ही हो जाता। कुछ नहीं होता, और जब तक मैं आपको कुछ हो भी नहीं सकता।
अच्छा है। वैसे हर भी अच्छे अपना लेते हो तुम। जैसे तुमने उस आशिक चौधरी को बेनकाब किया, मैं तो ये सोच रही हूँ कि निराली जी पे क्या बीत रही होगी। ख्वाब चिकना चूर हुए हैं, थोड़ा वक्त तो लगेगा। अब ना होगा म्यूजिक ऑडिशन और ना होंगे उस्ताद जी। अब वो चौधरी आशिक के साथ साथ उस्ताद जी भी, वो उस्ताद जी चले गए। कहा नहीं चाय। पर बखो की किया साहब जी ने। निलानी जी, जब तक ये खत आपको मासूम होगा तब तक मैं अपनी लखनऊ की ट्रेन पर चढ़कर अपनी मंजिल की तरफ जा रहा हूंगा। सोचा था मुलाकात करके जाऊं, मगर फिर सोचा कि क्या फायदा। बहुत कोशिश की कि जो इल्म मैंने न जाने किस किस उस्ताद के पांव की धूल छान कर सीखा, आप कोई उससे फैजियाब कर सकूं, लेकिन शायद आपके नसीब में नहीं है ये सब। आप और मौसी का चोली दामन का साथ नहीं है, आपके घर का माहौल और उसमें अनगिनत खलल। दौड़दम 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 दम दम दम। कभी किसी आशिक का आना, कभी किसी माशूक का फंस जाना, फिर उस आशिक को आपकी बेटी का अगवा करना, और फिर मुलाजमों का सुपरमैन बन जाना। बड़े बड़े अतरंगी से हैं आप लोग, मेरी समझ से दूर, मेरे मिजाज से परे। बस दिल उचाट हो चुका है, जा रहा हूं मैं ये सरजमीन छोड़कर, और आप गुलुकारी को खैर बात कह दीजिए। हाँ, अगले जन्म परवरदिगार ने भेजा तो ये उस्ताद जरूर नाजिल होगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज। अब ऐसा भौचाल आएगा इस घर में, कोई बर्दाश्त नहीं कर पाएगा। हट जाओ, दफा हो जाओ। बाजी निराली, खोल दे दरवाजा। अब देखेगा, जब मेरी राइट लेग ऐसे घूम कर दरवाजे पकड़ेगी तो दरवाजा टूट जाएगा। और चुप कर पागल दिया पुत्रा। ओए, ये आम दरवाजे नहीं है, टीक की लकड़ी के दरवाजे हैं। दरवाजा नहीं टूटना, तेरी लत टूट जानी है बेवकूफा। वह तो सही रहे, इस तरह तो अगर मेरी दोनों टांगे टूट गई मैं तो लूला हो जाऊंगा, मेरा करियर तबाह हो जाएगा। बाजी निराली, अब तो न्यू डे स्टार्ट हो गया है, राती भी खाने पे नहीं आई, ब्रेकफास्ट तो कर लेना। अब इतना भी क्या हर्टिंग, इतना हर्टिंग करने से ना फेस पे व्रिंकल पड़ जाने हैं आपके, और इस एज में ना व्रिंकल पड़ने का मतलब होता है मर्जे ब्यूटी। आ जाए ना। ओ क्या हुआ, अगर लाखों करोड़ों लोग जो हैं आपका गाना नहीं सुन सकते, हम है ना, हम सुनेंगे आपका सॉन्ग। आहो, और साथ में गालियां भी। निराली जी, कोई बात नहीं, अगर आप बाहर नहीं आ रही, नाश्ते का मेन्यू बता दीजिए, भूख से बुरा हाल हो रहा है और मैं कुछ कर भी नहीं रहा हूँ, फारिग खड़ा हूँ। चुप कर जाओ, पागल दा पुत्र ना हो मैं, ओ मेरी भैन है और साडा खून है। मैं खोलांगा आज दा दरवाजा, मैं खुलवावांगा, मैं तीन तक गिनांगा तू तक लई। ए मेरी छोटी, मेरी खूनी भैन, दरवाजा खोल देगी। लग गई शर्त? आहो, 100-100 रुपये दी लग गई जी। हो गई? हो गई।
चलो खामोश रही। निराली मेरी खूबसूरत भैणा, देख भायान की इज्जत का सवाल है, बुआ खोल दे है, तीन तक गिनांगा, ठीक है? मैं गिनना शुरू करना हम नहीं, ठीक है? एक हो जूगा भाई, हो जूगा, हो जूगा भाई, हो जूगा, हो जूगा भाई, दो हो जूगा भाई, हो जूगा, तीन। मेरी पैर है, मैं कहूंगा तीन। निराली ओ इज्जत का सवाल है, मैं कह जा रहा तीन, गाली कोई नहीं, लाई पैसे लाई, ठंड मारेगा मुंह ते। ओ मेरी भैन है, आराम कर रही होगी, उसनो आराम करन दोस्त, कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा उसनो, सारिया की छुट्टी आज, जाओ सब छुट्टी करो, कोई काम नहीं है आज, आहो। अच्छा ओ डे ऑफ, छुट्टी? इसका मतलब है निराली जी कमरे से बाहर आएंगी नहीं, आज हम सोग मनाएंगे, काली पट्टियां बांधेंगे, चूल्हा भी नहीं जलेगा और आराम करेंगे, छुट्टियां। चलो भाई चलो, जाओ सारे जाओ, मैं शोकी जोया और अलीना को भी बताता हूँ, ठीक है? और मैं अपनी दो सीरीज भी पूरी करूंगा। बता दे बता दे, चल मक्खो जी वो सोन दे उसनु, असी भी छुट्टी मनाई है, आ जा। दो मजदूर वखरी और भेज, आहो। और सीधा अपने बाथरूम में ना स्पेशल स्पा बनवा रहा है, आहो। ओ यार पैसे दी फिक्र ना कर, मिल जाएंगे पैसे, आहो। ओ कमर भी तख्ता हो गई है, और निकी ने जड़ी प्रैक्टिस कराई है ना, ओ सारे छोड़ दुख रहे ने, जब जकूजी लगेगा ना, ओए ये मालिशियों का काम भी खत्म हो जाएगा, खर्चा भी कम होगा, और क्या है ना पैसे मिल जाएंगे तेनू, आओ। और गल सुन, वो गीजर जड़ा होए ना वो बड़े साइज का होना चाहिए, वो गैस का नहीं यार, गैस कितों आती है, बिजली का चाहिए, और ठहरे इधर, ओए जो मैं कह वो कर, शाबा। की होया ये फिटे मुंह क्यों बनाया है भाई तू, आवाज तेनू दिती नहीं, मौत में जानी है तेनू। अच्छा सब छोड़े, ये बताएं काम क्या है। और गल सुन, मेरे बाथरूम में जा, चेक कर उदे लैम कितने ने, ते ओ जड़ा होंदा ना जड़ा लिक्विड बुलबुले बनांदा है जकूजी च, वो पिया है कि नहीं, नहीं तो आर्डर करिए। पर वो सब किसने चाहिए? ओए सीधे को अपने बाथरूम में ना चौका समान चाहिए, आहो जैसे वो वड़े वड़े फाइव स्टार होटल च होता है ना, वो माहौल चाहिए। वो यार कल बड़ी सख्त दिहाड़ी लगी है, वो एक कमर तख्ता हो गई है। ऐसे बहुत से बात है, लगता है निराली दीदी से कोई टाइट हाथ मारा है हमने। चुप कर, बकवास ना कर, जो काम दे आयो कर, जा चेक कर बाथरूम। हाँ जी, वो यार दस्या थे वो फौरन आओ, आज करना है सारा काम, जकूसी तैयार करनी है। ओए मक्खो आ गई, चल बंद कर, फौरन भेज। अए मेरी मक्खो। शीते जी। हाँ जी। तुसी ना बहुत बड़े लायर हो। क्यों? आपने तो कहा था कि आशिक की चबियों की वजह से कोई दिहाड़ी नहीं लगी इस बार, पर सीम्स लाइक आपने ना कुछ पैसे खींच ही लिए। ओ मेरी मक्खो, इस जिंदगी वास्ते ना औखे पुठे काम करने पैंदे ने, इतनी बड़ी हवेली है ते फायदा कोई नहीं है, हुण ते बहुत वड्डा बाथरूम च लगेगा जकूजी, बुलबुले ते मजा आ जाना है। शिदे जी सच्ची? हाँ। शिदे जी, मैं ना हमेशा वो अंग्रेजी फिल्मों में देखा करती थी। हाँ। जी अंग्रेजी फिल्मों में ना बड़े बड़े हॉट हॉट आलीशान बात वाले टब होते हैं ना, जकूजी होती है ना उसमें, ग्रेप्स खाओ, मुझे की सुनो, आपने तो मेरी ये मिशन पूरी कर दी। मेरी मक्खो फिर माननी है ना मेनू। वो आशिक से मैं एडवांस भी ले लेता सी डबल क्रॉस करके। शिंदे जी तुसी ना बड़े मिट्टी हो। अच्छा सुनो, मैं ऐसा करती हूँ कि ना वो खुशबू वाली कैंडल होती है ना वो,
और सी सॉल्ट ऑनलाइन ऑर्डर पे मंगवा लेती हूँ। केड़ा की होता है? वो नमक होता है, उससे ना जिस्म के सारे दर्द खत्म हो जाते हैं। दर्द मारे थे मैं सारे मालिशी नु फारिक किया। अच्छा, एमए किया है, बीए किया है, लेकिन ये सब तो एमए किया है। क्या हो गया, क्या कर रहा है तू? तो कह रहा था यूट्यूब खोलूंगा, आराम से लेटूंगा, खुदा और मोहब्बत देखूंगा, ये क्या कर रहा है? अरे घर के काम खत्म हो तो मैं अपना सीजन देखूं ना। पता नहीं कब निराली जी कमरे से बाहर आएंगी, कब बोनस मिलेगा, खुशी के मारे मुझे तो इंतजार ही नहीं होगा। ओ भाई, खुशी के मारे फट नहीं जाना। वैसे भी निराली जी वो मौसम है जो कभी भी बदल सकती है। ये ना हो कमरे से बाहर आने के बाद तेरी हर खुशी की। बंटी जी, बंटी जी, बंटी जी, वो मक्कू जी को जाके फ्रूट्स लेकर आओ, वो कह रही है मैंने कोई ऑरेंज का मास बनाना है, चल चल जल्दी जाओ। हाँ ठीक, लेकिन आप क्यों काम कर रही है उधर? वो बहन का भाई स्पा बनाने का सोच रहा है और वो जो बहन है वो सो सो के पलंग तोड़ रही है और हम सब यहाँ लेबर कर रहे हैं। तू जाना। हाँ ठीक है, और हाँ इसके बाद में और कोई काम नहीं करूंगा। हाँ। और अपना ड्रामा मुकम्मल कर। हाँ। और पानी पी लेना है, मर नहीं जाना। हाँ। जी। हाँ। वैसे वो सही कह रहा था, आपको भी अपना ख्याल रखना चाहिए। आप जाए ना वो बाकी लड़कियों की तरह ब्यूटी पार्लर जाए, डैडी क्योर, सैनी क्योर वगैरह कराए, खुद को पैम्पर करें। आज के दिन पे अगर हमने निराली जी को पैम्पर ना किया ना तो उनका टेम्पर हम पे हाई हो जाएगा। शौकी तुम्हें क्या लगता है जितनी इमोशनल वो चल रही हैं अपने कमरे में ऐसी पड़ी रहेंगी? नहीं बेटा। स्वाति जी, क्या आप सुन सकती हैं? खामोशी, तूफान से पहले की खामोशी। तो मतलब अंदर ज्वालामुखी पक रहा है, फटने भी बहुत जल्दी वाला है। इससे पहले वो तुम्हें ऐसे देखे, किसी काम पे लग जाओ, मैं देख कर आती हूँ। जी काम तो लगा, सबसे आया हूँ, काम ही तो कर रहा हूँ यार। आया एक हर कोई चिल्लाता रहता है इस घर में। सुनो जी, ये तुम्हारे कॉम्प्लेक्शन के हिसाब से ये जो लिपस्टिक का कलर है बिल्कुल सूट नहीं कर रहा। बस कर दे ये हाथ जुड़े अब्बा मेरे, बस करें मजलूमियत की कहानी। औरतों पे जुल्म करने वाला बुजदिल इंसान है ये। मैं बताऊं तुम्हें क्या है ये? अच्छा क्या कह रही है तू? दीदी ने तुझे कुछ भी नहीं बोला? हाय दीदी की मजाल की मेरे आगे बोले, अब तो फेस दिखाने जोगी भी नहीं रही है। हाँ उस्ताद और आशिक ने ऐसे ठुड कराई है ना कि कैट की बकरी को ग्रैंडफादर याद आ गए। वाह भाई वाह, मुझे तो सुन के ही बड़ा मजा आ रहा है। रब्दी सौ तूने तो कमाल ही कर दिया। बेचारी को ऐसा ड्रामा पहुंचा है ना कि कल रात से रूम में तपक्के बैठी है। वाह भाई वाह, क्या चुड़िया की शक्ल बनाकर बैठी होगी, मुझे तो सोच सोच के ही हंसी आ रही है। वड्डी आई मुझे डिच करा के स्किन टाइट कराने गई थी, बोलो पाला फायदा? आशिक ने डील दे दी और बाबी ने टुनका, अब उजड़ी बैठी हमारी निराली दीदी। निराली दीदी। We'll be right back.
निराली दीदी? अरे और नहीं तो क्या, इस पूरी कायनात में सबसे ज्यादा खौफनाक और खतरनाक आवाज सुनी की है। फोन कर, निराली दीदी, निराली दीदी, निराली दीदी। हाय बाजी निराली, रब दा शुक्र है कि तुसी आ गए, नजर तो आए। आपको पता है मेरा तो कलेजा मुंह को आ गया था, वो सल्ले पे बैठी हुई मैं सिर्फ आपकी सेहत के लिए ना दुआएं कर रही थी। आपको तो पता है ना, आपकी एक मिनट की सेपरेशन बिना मैं बेयर नहीं कर सकती। ओ बस, मुरझाए हुए फूलों का इस घर में कोई काम नहीं है। अगर निराली हाउस को सजावट नसीब नहीं है तो फिर तुआनू ऐथे फूलों की जगह कांटे ही मिलेंगे जो आपको चुभेंगे। एक रात एक दिन मैं कमरे से बाहर नहीं निकली, क्या हुआ? सब कुछ आगे पीछे हो गया, बेतरतीब हो गया, हर चीज अपने ठिकाने पर नहीं है। किसका काम? जोया जी का। जोया, वो कितने मर गई है? जोया ऐसे आ जा, नहीं तो निराली अपनी आई थे आ गई थी, बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। ओ जोया, ओ आ जा। आ गए, आ गए जोया जी। चीज हाँ फूल गया मेरा हैं। जोया तेरी माँ है ना, बचपन में तुझे ना लोरी की जगह और पुछ पुछ करने की जगह दो लगाए होते ना वक्त पे, तुम्हें तिंगवार ना होती, इतनी फोर ना होती, मुझे बड़ी फिक्र रहती है तुम्हारी। निराली जी, बड़े और अकलमंद लोगों ने कहा है कि मछली खाओ, मछली अच्छी चीज है सेहत के लिए, मजे की होती है। मछली जरूर खाओ लेकिन कांटा हलक में नहीं फंसने देना, नहीं तो तेरी वजह से मेरी ये मासूम लीना अगवा हुई है। रानी जी, तेरी वजह से? आओ लेकिन मौत। चुप कर जा, खामोश रहो। ये जो तुम दोनों मिलके ना छुप छुप के चुप चुप चिक 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 चुप चुप चिक चिक करती हो ना, सब जानती हूँ, सब उसका नतीजा है। इसकी सोबत ही खराब है, इसकी वजह से हुआ है सब कुछ। ये दिन दयाले जो तुम्हारा अगवा है ना, इसकी वजह से हुआ है। वो इधर आ जा मेरी बच्ची अलीना। सोया जी, ये तो ऑब्वियस बात थी ना कि गलती किसी की भी हो बिलापी पे फटेगा, फिर अपने आंसू जाया करने का क्या फायदा? प्लीज रोइए मत। तू मासूम है। इसकी तरह नहीं है, ऐसी ऐसी जो सोबत होती है ना वो आपको बिगाड़ देती है, दिन दहाड़े अगवा करवा देती है। अब एक मिनट, करेक्शन, दिन दहाड़े नहीं, रात में दोनों हुआ हुई थी। ओह सॉरी सॉरी सॉरी। और चुप कर जा तू नौकर दी नस्ले, हैं? गिटबिट गिटबिट, तू कराएगा मुझे करेक्ट? ऐसा कोई कारतूस किसी माँ ने भी पैदा नहीं किया जो निराली को करेक्ट करा सके। निराली इनकरेक्ट होके भी हमेशा करेक्ट है, करेक्ट। कसूर तेरा भी उतना ही है, प्रॉपर। मेरा? अरे मैं तो इन दोनों को, तो आप मुझे भी कसूर डाल रही हैं? हाँ ते होर, तेरे प्यो ते डाला सारा कसूर। अरे तेरा ही कसूर है, तुम लोग कौन हो? तुम्हारा काम है इस घर की हिफाजत करना, अंदर कौन आता है जाता है नजर रखना तुम्हारा काम है। और ये नौकरी होते हैं घर के भेदी, जिनकी वजह से ना घरों में डाके डलते हैं, ये सब नौकरी होते हैं। लेकिन बीबी जी, मैं तो आपके साथ हूँ ना, बस आप मेरी तनख्वाह बोनस की तरह ज्यादा कर दे, फिर आप देखें मैं कैसी चौकीदारी करता हूँ। अरे इसका तो आता ही कुछ नहीं है। हाँ हाँ जरूर, क्यों नहीं बंटी साहब, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। आपको और शौकी को तो बोनस क्या छंकरा भी नहीं मिलेगा। बीबी जी ये ना करें, इतनी जान जोखों में डाल के मैंने इनको बचाया, तनख्वाह तो बढ़ाए ना प्लीज। ये जो रोंदी रोंदी तू कर रहा है ना, रोंदी के मुंह वाले, तेरा तो मैं वो हशर करूंगी, तू याद करेगा, यहाँ से निकाल दूंगी खड़े खड़े, विदाउट सामान तुझे इस घर से निकाल दूंगी। मैं अभी शीदे को कहती हूँ, शीदे भाई को कहती हूँ, यहाँ पे ना हर जगह पे कोने 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 पे एक्स्ट्रा CCTV लगा दे, तुम लोगों की हर हरकत पे, हर हरकत पे मैं खुद नजर रखूंगी, मॉनिटर पे चेक करूंगी तुम लोगों को, हर लम्हा चेक करूंगी, कोई देखे ना देखे निराली देखेगी, सब कुछ देखेगी, फिर ना कहना खबर ना हुई। कल तक तुम लोग जिस निराली को जानते थे ना, उसको मैंने दफना दिया है, अब बिल्कुल नई नकोर नवा एडिशन निराली तुम्हारे सामने खड़ी है, समझ आई है तुम्हें? चील की नजर और शेर की फुनकार, नहीं फुनकार नहीं, दाढ़, सांप का जहर और रीछ की चीर फाड़, बिल्कुल भी वक्त नहीं लगेगा सबको कुचलने में। सोचो निराली ने हुई पूरा जुई हो गया, कोई सांस भी कितना और कब लेगा,
सब पे मेरी नजर होगी, मैं मॉनिटर करूंगी। 2 घंटे तुम लोगों के पास, जाओ घर का सारा काम कर लो, निपटा लो, और उसके बाद मीटिंग होगी किचन में। कुछ नए असूल लिखे जाएंगे, तारीख रकम होगी निराली हाउस, समझे हो? जी। चलो दफा हो जाओ, माशाल्लाह, चलो जाओ दफा हो जाओ। गो जी। गो, काम करो। जेड़ी मालकन है ना, छोटी जी, 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 हाँ जी, कौन है भाई ये लोग? हाँ जी, किससे मिलना है, की काम है? इनसे पूछो जी, हमसे क्या पूछते हो, हम तो इनके लिए जमोट और कमोजी लेके आए हैं। का मतलब है कि जकूजी और कमोट। क्यों 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 क्यों, वाई वाई, स्पेशल कमोट क्या मतलब? वो छोटी, दरअसल मैं ते पिछले महीने इन्हां नूं बुलाया सी ना, ते हुण आए ने, वो मैनूं चुक पै गई सी ना पिछले महीने, ते और डॉक्टर मैनूं कहंदा सी के जे चुक पै जाए तो कम से कम 4 घंटे जकूजी चो ते फिर ठीक हो जाती है चुक। बात सिर्फ जकूजी की हुई थी नाले जी, फिर वो कमोट क्यों लेके आए? स्पेशल सीता जी, सीधी बात है, ये लोग ना ठग रहे हैं। अच्छा तू चुप, असल में छोटी ये स्पेशल कमोड है, वो जड़ा होता है ना मुस्लिम शावर, ओदी भी जरूरत नहीं पैंदी। आहो पाए ना, आपको पता है मुझे आपकी कितनी फिक्र रहती है ना, यू नो इट। आपका ये जो है ना चस्के और ये आ चुके हैं, इनका मुकम्मल इलाज करना पड़ेगा, आप फिक्र ना करें, मैं कुछ करती हूँ, आप यहाँ से भाग जाएं जी, नहीं तो मैं ना जूती ला लेनी है। जाओ तो जाओ, जाओ नहीं चाहिदा चमोट और कमजोरी के, पता नहीं क्या पाया ना, आपने फिक्र नहीं करनी, मैं करूंगी आपका इलाज, आप मुस्तकिल तौर पे ना बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। हां जी शौकी, आपने ये करना है कि मेरे प्यारे भाईजान, मुझे बड़ी फिक्र है इनकी, इनके सारे इंजर पिंजर ना ठीक करने हैं, सुबह उठाना है इनको फजर से घंटा पहले, और उसके बाद इनको सामने वाला जो ग्राउंड है ना उधर लेकर जाना है आपने, और इनको 2 घंटे ना, 2 घंटे हैं, ऐसे 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 इनको वॉकिंग करानी है, yes, ma'am, जॉगिंग करानी है, बहुत जरूरी है। पायन देखें आपकी हड्डियां चलती फिरती रहे ना तो जाम नहीं होती, तो इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आप फिक्र ना करें, आप बिल्कुल ठीक हो जाएंगे, ठीक है? छोटी मेरी गल सुन, तुम ठीक हो जाओगे, मेरे 2 घुटने ने तो 2 घंटे खुदा दे रेडी लेफ्ट राइट चली गई, पागल हो गए यार, प्रैक्टिस करा रहा हूँ प्रैक्टिस, रोज सुबह भी तो यही करना था, हो चुका अभी हो चुका। आईडिया पता क्या, मोहन को कूल डाउन करने के लिए ना शरबत के अंदर चिया सीड्स मिला के पिला देते, उनके दिमाग की गर्मी दूर हो जाएगी। जो गर्मी उनकी नसों के अंदर घुस गई है उसे कौन दूर करेगा? स्टेप मदर, आज तो ये इल्जाम लगा दिया किस बहन को अगवा कर लिया। And mom was just hyper, मतलब कहीं का aggression कहीं और निकाल रही थी वो। Hyper? ये उनका ना inner conflict है। मैं मानती हूँ उन्हें धचका लगा, उनके ख्वाब टूटे, उनका प्यार, उनका दिल, उनका सब बिखर गया, लेकिन मेरे ख्वाबों का क्या, जिनको वो रोज धोती है इतना धोती है कि कुछ राइट ही नहीं हो रहा। अच्छा तुम टेंस ना हो, मैं मॉम का मूड देख कर ना वन ऑन वन उनसे खुद बात करूंगी। उनसे कोई बात ही तो नहीं करता था, यही तो मसला है, उनके आगे कभी किसी ने कोई जवाब नहीं दिया, सब ने जी हजूरी किए, लेकिन पहली बार ही ना, एक नहीं तो ने उनका दिल तोड़ दिया। मैं जानती हूँ डैमेज हुई है, लेकिन ये जो पारा है ना, ये मेरे पे लो होगा, मैं बता रही हूँ। हाँ तो ये हमेशा से तुम ही ने उन्हें इजाजत दी है ना, सबर कर करके और सह सह कर, अब क्यों ब्लेम कर रही हो? क्योंकि मेरे पास वक्त नहीं है ना। मेरे पास वक्त नहीं है, मेरी बहन, मेरे पास वक्त नहीं है, मतलब न्यू अपॉर्चुनिटी, न्यू मी, न्यू वेंचर, न्यू लाइफ, न्यू जॉब, न्यू ड्रीम्स, न्यू ईयर। और इस सब के बीच में किसी को नहीं आने देना चाहिए, किसी को भी नहीं। वक्त खत्म, पहुंचो सारे जरा किचन में। बिग बॉस कन्फेशन रूम में बुला रहे हैं न्यू टास्क के लिए, चलिए लेट्स गो। तुम जाओ, मैं कॉल करके आती हूँ। आ रही हूँ। ये जो इस घर में अयाशियां लगी हुई है ना, सब पता है मुझे, इनका महीना खत्म नहीं होता, राशन मुक जाता है, ठीक है जानता है।
हराम खोरियां तुम लोगों को बंद करनी पड़ेगी और अपने मुंह भी, समझे हो? मैनू सब पता है, अंधी दी रात नू किचन च बर्ची खाने जाके तुसी मक्खन ते मलाइयां खांदे हो, सब पता है। तो ये होगा सब बात, ये सारा राशन जाएगा तिजोरी में और जिसको जो चाहिए होगा ना पहले वो इजाजत रखेगा, रजिस्टर पे साइन करेगा, अंगूठा लगाएगा, फिर उसको मिलेगा, समझे हो तुम लोग? वाह तेनाली जी क्या बात है, मैं तो कहता हूँ ये जो धमकी आपने दिया ना, ए धमकी जरा मक्खू जी भी दे ही दियो। वे शौकी, हाउ डेयर यू? बस मक्खू मुंडा, दिस मुंडा गल सही कह रहे, ये जो तुम बड़ू वाले पराठे बना बना के खाती हो ना देसी घी के, फट 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 फट, ये तेरी चर्बियां है ना ये ऐसे ऐसे बाहर आ रही है। ओ ना दीदी, एनु लव हैंडल कहंदे। ये तुम्हारा जो लव है ना इसको हैंडल करना मुझे आता है, ये देसी घी पराठे सब बंद। बंटी जी 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 मेनु तेरे बारे सब कुछ पता है, तू जो हराम पोरियां करता है ना और राशन खत्म करता है, एक एक रिपोर्ट है मुझे। अब अगर तूने कोई हैंकी पैंकी की ना तो ऐसी तेरी पैंटी लगाऊंगी मैं कि दुनिया देखेगी, समझा तू? चल राशन दी लिस्ट बना, अच्छा ब्रेक डाउन बना, और ये वो सारा सामान है जो तुम दोनों पैदल स्टोर से ले ले जाओगे, समझे हो? पैदल? और पैदल कैसे जाएंगे, वो तो 12 किलोमीटर दूर है, चल चल के जूते किस जाएंगे? हाँ ना, तो इट इज गुड फॉर योर हेल्थ एंड गुड फॉर माई वेल्थ, समझे हो? ये जो पेट्रोल है ना बहुत महंगा हो गया है, ये गाड़ियों में तो तुम लोग जाते हो ना है झूले लेने के लिए, जो पेट्रोल होता है ना पेट्रोल, वो पेट्रोल नहीं मेरा खून चलता है। ओरे रानी जी, आपको पता है किचन में से शहद और केचप भी खत्म हो जाती है। अच्छा तुम तो रहने दो, तुम तो बीच पे पड़ो ही ना, बोलो ही ना, जिस घर में तुम्हारी जैसी लड़कियां हो ना वहां ऐसा ही कहर पड़ा रहता है। लेकिन जोया जी केचप तो पूरे 22 दिन बाद खत्म होता है। जी पूरे सिंध का भी शायद हम चोरी करके ले आए तो वो तो आप अकेले ही खा जाएंगी। आज से ये सब कुछ बंद, अयाशियां बंद, ये सारा राशन जाएगा तिजोरी में, लॉक लगेगा उसको, ठीक है? और हफ्ते में बरकत के लिए एक दिन हम सब रोजा रखेंगे, ठीक है? हाँ, ताकि राशन भी बचे और बरकत भी। हाँ तो थर्सडे वाला दिन जो है ना वो फिक्स कर लेते हैं फिर। और हफ्ते में सिर्फ 2 दिन चिकन बनेगा और बाकी सारे दिनों में सब्जी बनेगी, और तमाम जो नौकर मुलाजमीन है दाल और आलू की भुजिया पे गुजारा, समझे हो? मैं तो कह रहा हूँ किसी दरगाह या मजार चल के झाड़ू लगाते, वहाँ का लंगर इससे ज्यादा अच्छा होगा। तू जा बेटा, मैं अकेला सरवाइव कर लूंगा। आज के लिए इतना काफी है, ऐसे करो ना पहले वो आटे की बोरियां वहाँ पड़ी हैं, उठाओ उनको और पहुँचाओ स्टोर रूम में। हाँ टाइमर मैंने ऑन कर दिया, 10 मिनट के अंदर अंदर काम होना चाहिए, होना है काम। चलो चलो ना, सुन क्या रहे हो, चलो 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 बे। हडराम जोया बीबी। जी निराली जी, चाय बना दूंगा आपके लिए। अरे नहीं नहीं थैंक यू। अरे जाओ जाके वो बोरियां उठाओ, चलो। हाय निराली दीदी, सही कितना और है? तू ना जरा पराठे खाने का, बहुत हो गया है। देख उसे कितना हैं हैं, पता नहीं मेरा भाई तेरे साथ कैसे गुजारा करता है। हाय How are you, Rehan? मैं ठीक हूँ, आप बताइए। Fine. वो actually आपको thank you कहने के लिए call की थी। Thank you किस लिए? मैं safe हूँ, अपने घर में बैठी हूँ आपकी वजह से, वरना वो गुंडे तो मुझे बेच चुके होते। अरे नहीं नहीं नहीं, इसमें thank you की कोई बात नहीं है। अब I'm glad कि आप safe हैं, अपने घर हैं, खुश हैं। No, I so wanna thank you personally. How about dinner tonight? Not interested. What? Busy hoon. Bahut busy hoon. That's perfectly fine. Kisi aur din dekh lenge jab bhi aap free ho. Nahi hai na, time hi nahi hai na. Time hai nahi mere paas. Kal bhi busy hoon, parso bhi busy hoon, tarso bhi busy. Oh, pura saal busy hoon. Dekhe itna busy hoon ki call disconnect ho jayegi. Bye. मुंह पे फोन बंद कर दिया, बहुत भरम दिखा रहा है, ऊपर से आ रहा है। ऐसे भरम दिखाने वाले लड़के मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आए। जस्ट डोंट लाइक देम।
know. I guess I like them. Opposite attracts. You know, I like them. अरे जब से आप गए हैं ना, तब से निराली जी का तो फुल विडो फोन चल रहा है, और उस बात का गुस्सा वो हम पे निकालती रहती है। आज तो आपको क्या बताऊं मेरे साथ क्या हुआ? पता है क्या सजा दी उन्होंने मुझे? 12 किलोमीटर चला हूं मैं पैदल। मेरा बच्चा, मेरी जान, इतना बड़ा जुल्म मेरे बच्चे पे, मेरा लाडो पला बच्चा। अरे मां पास होती ना तो अपने हाथों से दबाती। तो मैं किसने कहा था कि उस निराली की उठक पटक करने को? अरे उठा पटक तो अब हमारी हो रही है, और वो जोया बेचारी, उसके बारे में क्या बताऊं आप? पता है वो किडनैप हुई, ये ब्लेम भी उस पे डाल दिया। और तो और आज 20-20 किलो की बोरियां उठवाई उससे। बेचारे मेरे मालिक की बेटी, इतना तो उसका अपना वजन भी नहीं होगा। और नहीं तो क्या डैड, और वो सब देख के ना माय हार्ट वाज पंपिंग लाइक क्रेजी। अगर तुम कहो तो निराली को लाइन पे लाने के लिए आ जाऊं। अरे नहीं 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 नहीं, नहीं प्लीज, मेहरबानी आपकी। आप बताइए, आप ना उस्ताद जी लखनऊ में ही रहिए, ये लाइन ऑफ कंट्रोल क्रॉस करने के बारे में तो सोचना मत। अरे शाहरुख बेटा, गया तो तू 1-2 हफ्तों के लिए था ना, अब वहां जाकर इतना फिक्स हो गया कि वापस आने का नाम ही नहीं ले रहा। अरे मॉम, अभी तो बस शुरुआत ही हुई है, जोया से थोड़ी सी दोस्ती तो हुई है अभी। दोस्ती? अरे भाई जब दोस्ती हो गई, तुम्हारे डैड बता रहे थे कि प्यार भी है। बेटा देर किस बात की, अपने दिल की बात कह दो, निकाह करो, ले आओ घर। पर बेटा आजकल का तो दौर है, निराली जितनी भी जालिम क्यों ना हो, कोई भी किसी बालिग को कैद में नहीं रख सकता। पर आपकी वही बच्ची खुद अपनी मर्जी से इस पिंजरे में रहने के लिए तैयार है, जबकि उसके पास अच्छा खासा ऑप्शन है उड़ जाने का। हाँ लेकिन उसके लिए उसे भी मुझसे प्यार करना हो। क्या मतलब? अरे मॉम आपसे क्या छुपाऊं, सोया से ना बहुत मोहब्बत करता हूँ, बहुत प्यार करता हूँ उसे, और उसकी नजरों में मैं बस एक नौकर हूँ, इसलिए शायद वो उस नजर से कभी मुझे देखेगी नहीं। और अगर शायद कहीं ना कहीं थोड़ा सा फील होता भी होगा तो उन फीलिंग्स को अंदर ही खत्म कर देती हो। शाहरुख नौकर? अरे बेटा फिर तो तुम फौरन उसे अपने असली किरदार और मर्तबे के बारे में बताओ, फिर देखना कैसे दौड़ी चली आएगी इस घर की बहू बनने के लिए। अरे पर यही तो नहीं करना ना मुझे। अरे यार तुम किन चक्रों में पड़ गए हो, करना क्या है? फुल ऑन मोहब्बत, आशिकी। और वैसे भी क्या फायदा अगर वो मेरे स्टेटस, मेरी पहचान, इन सब से प्यार करके आए? मजा तो तभी है ना जब वो शाहरुख से प्यार करे, उसकी एटीएम से नहीं। बेटा क्या बोल रहे हो, अबे जो भी करना है ना बस जल्दी से करो और घर वापस आओ।